बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सलाम अलैकुम क्लास 4। टुडे वी आर गोइंग टू रीड आवर चैप्टर 4, वैरायटी एंटरटेनमेंट। वैरायटी एंटरटेनमेंट यानी कि एक रंगारंग तकरीब। वर्ड्स टू नो, अनाउंसमेंट, अ स्टेटमेंट गिवन पीपल, इंफॉर्मेशन और न्यूज़। अनाउंसमेंट कहते हैं ऐलान करना, लोगों को किसी बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन देना या फिर कोई न्यूज़ बताना। ऑडियंस, द पीपल हु हैव गैदर टू सी और हेयर समथिंग। जब कुछ लोग कुछ सुनने के लिए और देखने के लिए एक साथ जमा होते हैं तो उन्हें ऑडियंस कहते हैं। क्रिसेंट, अ क्रब्ड शेप यानी कि जैसे सर्कल की हाफ शेप होती है तो उससे कहते हैं क्रिसेंट। एम्बेरस्ड, अनकंफर्टेबल और इल एट इज, अशेम्ड यानी कि शर्मिंदा होना। एक्सप्लोड, टू ब्रस्ट और ब्लो अप। और ब्लो अप यानी किसी चीज़ का ज़ोरदार आवाज़ से फट जाना, ठीक है। ग्लो, टू लुक हार्ड एट समबडी इन एंगर, किसी की तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से से देखना। इंटरप्ट, टू स्टॉप अ स्पीकर इन द मिडल ऑफ हिज हर स्पीच, टू डिसरप्ट यानी कि किसी स्पीकर को जो बात कर रहा हो उसे बीच में टोक देना, मुदाखलत करना। मार्वेलस, एक्सलेंट, वंडरफुल यानी बहुत अच्छा शानदार। पॉप सॉन्ग, अ पॉपुलर मॉडर्न सॉन्ग। टेरियर, अ टाइप ऑफ डॉग, ये जो है एक डॉग की किस्म होती है। वैनिश, वैनिश टू डिसअपेयर यानी गायब हो जाना। वैरायटी, अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स यानी बहुत सारी चीज़ों का जो है वो बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ों का एक जगह कलेक्शन होना, एक जगह उन्हें जमा करना। तो दियर, 3 weeks बिफोर द एंड ऑफ टर्म मिस्टर खान कॉल्ड द क्लास टुगेदर। तो 3 weeks बिफोर यानी 3 हफ्ते पहले जब उनका टर्म जो है उनका सिलेबस जो है वो ख़त्म होने वाला था उससे पहले मिस्टर खान जो उनके टीचर थे उन्होंने पूरी क्लास को जो है वो एक साथ बुलाया। नाउ क्वाइटन डाउन चिल्ड्रन एंड लिसन केयरफुली ही सैड, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक। तो उन्होंने अपनी क्लास से कहा कि अब सब जो है वो खामोश हो जाएं और ध्यान से मेरी बात सुने, मुझे जो है वो कोई ऐलान करना है, कोई अनाउंसमेंट करनी, ठीक है। क्वाइटन डाउन बिल्कुल खामोश हो जाना, केयरफुली ध्यान से लिसन सुनना, ठीक है। द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4 क्राउडेड अराउंड देयर टीचर, तो क्लास 4 के जो चिल्ड्रन थे सारे बच्चे जो थे वो अपने सर के पास जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। क्राउडेड यानी जमा हो जाना, इकट्ठे हो जाना। हिज गोइंग टू स्कोल्ड अस, विस्पर्ड दानियाल। स्कोल्ड डांटना, ही इज़ गोइंग टू स्कोल्ड अस, दानियाल जो है वो सरगोशी करता है, विस्पर्ड करता है, सरगोशी करता है कि सर जो है वो हमें डांटने वाले हैं। आई डब इट सैड फ्रोज, तो फ्रोज जो है वो भी कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। आई थिंक इट्स गुड न्यूज़ रैदर दैन बैड, सजेस्टेड माहम। तो माहम जो है वो सजेस्ट करती है, माहम जो है वो बोल कहती है कि मुझे लगता है ये कोई बुरी न्यूज़ होने के बजाय कोई अच्छी न्यूज़ होगी। सो हाउ डू यू नो, आस्क अली द शॉर्टेस्ट बॉय इन द क्लास। तो जो अली होता है जो अपनी क्लास में सबसे छोटा होता है, तो वो माहम से माहम जब से कहती है कि मुझे लगता है कोई गुड न्यूज़ है बल्कि बैड न्यूज़ नहीं है, तो वो कहता है आपको कैसे पता। ही इज़ स्माइलिंग सैड माहम, इफ़ It was bad news, he wouldn't be smiling, would he? So माहम कहती है कि he is smiling, सर जो है वो smile कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अगर ये कोई bad news होती तो सर मुस्कुराते नहीं। क्या सर मुस्कुराते, वो उससे question करती है। Said Mr. Khan loudly and glowed at the talkers. तो सर जो होते हैं मिस्टर खान वो एकदम से ज़ोर से
तेज़ आवाज़ से जो है वो चिल्लाते हैं, और बच्चों को जो बातें कर रहे होते हैं टॉकर्स यानी बातें करने वाले, ग्लोवर्ड गुस्से से देखना, तो वो बच्चे की तरह गुस्से से देखते हैं। माहम स्माइल लाइक एन एंजल, माहम जो है वो एक एंजल की तरह मुस्कुराने लगती है। अली प्रिटेंड टू बी थिंकिंग, प्रिटेंड यानी कि जाहिर करना, ऐसा दिखाना कि वो जो है, अली जो है वो ऐसा जाहिर करता है कि वो कुछ सोच रहा है। एंड दानियाल बिकेम सडनली इंटरेस्टेड इन समथिंग कॉट इन हिज स्लीव्स, और अली जो है वो ऐसा दिखाता है कि जैसे उसकी आस्तीन में जो है वो कुछ फंसा हुआ है, तो वो अपनी आस्तीन में बिजी हो जाता है। सो व्हेन द चिल्ड्रन वर क्वाइट, मिस्टर खान अनाउंस्ड इन अ कपल ऑफ वीक्स देयर इज टू बी अ वैरायटी एंटरटेनमेंट इन द लार्ज हॉल। तो जब सारे बच्चे खामोश हो जाते हैं, और तो मिस्टर खान जो होते हैं वो ऐलान करते हैं कि दो हफ्तों में यहाँ पर जो बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ पर एक रंगारंग तकरीब होने वाली है, एक तफरीही प्रोग्राम होने वाला है। सो ग्रेट शाउटेड अली एक्साइटेडली, आई लाइक एंटरटेनमेंट्स एंड मैजिक शोज एंड। अली जो है वो एक्साइटेड होकर एकदम से चिल्लाता है और कहता है कि मुझे जो है वो एंटरटेनमेंट बहुत पसंद है और मुझे मैजिक शो भी पसंद है, और वो इतना ही कह के चुप हो जाता है। मिस्टर खान स्टेयर्ड एट हिम विद अ लुक दैट कुड किल, सो ही स्टॉप टॉकिंग। तो जैसे ही वो आधा ही वर्ड बोल पाता है, अपने सर की तरफ देखता है, तो वो उसे बहुत ज़्यादा घूर रहे होते हैं इतने गुस्से से कि वो उसे मार ही दें। तो अली फौरन ही चुप हो जाता है। एज आई वॉज सेइंग बिफोर आई वॉज इंटरप्ट, कंटिन्यूड मिस्टर खान। तो मिस्टर खान जो है वो कहते हैं, दोबारा से अपनी बात शुरू करते हैं कि जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, जब मुझे मुदाखलत की गई उससे पहले जो मैं आपको बता रहा था, द हेड मास्टर वॉन्ट्स क्लास 4 टू प्रोवाइड दिस ईयर्स इंटरटेनमेंट, यू विल ऑल हैव टू थिंक हार्ड अबाउट वॉट यू आर गोइंग टू डू फॉर द शो। सो सर जो है वो अपनी बात दोबारा कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं कि हेड मास्टर जो हैं वो चाहते हैं कि इस बार का जो इंटरटेनमेंट है वो क्लास 4 करें, तो आप सबको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छे से सोचना होगा कि आप लोग वैरायटी इंटरटेनमेंट प्रोग्राम में क्या करना लें। सो नेक्स्ट डे मिस्टर खान आस्क द चिल्ड्रन व्हाट दे हैड प्लान्ड, वन बाय वन दे टोल्ड हिम देयर आइडियाज़। सो नेक्स्ट डे जो है मिस्टर खान बच्चों से पूछते हैं कि वो लोग, उन लोगों ने क्या प्लान किया है, वो लोग क्या करने वाले, तो एक 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 करके जो है वो सब बच्चे अपने अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो बताने लगते हैं। सादिया वॉज गोइंग टू डांस, सादिया जो है वो डांस करने वाली थी, वो डांस कर रही थी, मतलब उसने ये सोचा था कि वो डांस करेगी। माहम एंड हानिया वर गोइंग टू डू अ माइम, मरियम माहम और हानिया जो हैं वो एक जो है मजाया सा प्रोग्राम पेश करने वाली थी। यासिर फ्रोज एंड अंजुम वर गोइंग टू सिंग अ पॉप सॉन्ग, यासिर अंजुम और फ्रोज जो हैं वो एक गाना गाने वाले थे। दानियाल वॉज टू रीड अ पोएम, दानियाल जो है उसने सोचा था कि वो एक नज़म पढ़ेगा। मोइन एंड आतिफ एंड सारा वर गोइंग टू परफॉर्म अ शेडो प्ले, मोइन सारा और आतिफ जो हैं वो एक परछाई शेडो यानी कि साया, वो कोई ऐसा खेल जो है वो दिखाने वाले थे जिसमें वो साए के साथ जो है वो अपना एक खेल पेश करने वाले थे। सो दे ऑल हैड आइडियाज ऑफ व्हाट दे वांटेड टू डू, ओनली अली रिमेंड साइलेंट, सबके पास कोई ना कोई आइडिया था कि उन्हें क्या करना है, वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन अली जो है वो बिल्कुल खामोश था। सो एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू अली, आस्क मिस्टर खान, मिस्टर खान जो है वो अली से पूछते हैं कि तुम क्या करने वाले हो। आई शैल डू सम मैजिक, तो अली कहता है कि मैं जो है वो एक मैजिक करूँगा